आज के इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची उनके बारे में जानेंगे, जिन शब्दों की ध्वनियाँ या रूप अलग अलग होती हैं लेकिन अर्थ एक जैसे होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द दिखने में तो अलग अलग हैं लेकिन इनका मतलब एक ही होता है। पर्यायवाची शब्द दो पदों से मिलकर बना है, पर्यायवाची। पर्याय का मतलब होता है मीनिंग और वाची का मतलब होता है बताने वाला, यानी कि विटनेस। तो आइए हम देखते हैं कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द, जैसे कि हाथी, गज, हस्ती, मतंग, दिव, नाग। कुत्ता, स्वा, स्वान, कुक्कुर, सुनक, सरमेव। घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग, है, बाजी। इसी तरह अन्य पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते हैं, तीर, सरवाण, विशिख, सायक, धन, द्रव्य, वित्त, संपत्ति, पूंजी, नदी, सरता, तटनी, आपगा, शैलजा। नाव, नौका, जलयान, पोत, नैया। पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन। पाहन पूजे, हरि मिले, कबीरदास का दोहा। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पथ, बाट, मार्ग, राह, पंथ। बंदर, कपि, हरी, मरकट, बानर। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल। सुबह, प्रातः, प्रभात, ऊषा, सवेरा। पृथ्वी, भू, भूमि, अचला, धरा। बादल, मेघ, घन, जलद, नीरद। और पानी के पर्यायवाची में दा लगाने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं, जा लगाने से कमल के। ब्राह्मण, द्विज, विप्र, भुसुर, भूदेव। बिजली, विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी। इसी तरह अन्न, बुद्धि, मेधा, मति, प्रज्ञा, मनीषा। भाई का, बंधु, सहोदर, भ्राता, भैया। मनुष्य का, नर, मानव, जन, मानुष। मुख, आनन, वदन, वक्र, मुह। मेढक, मंडूक, दादुर, हरि, सालू। देखिए हरि बंदर का भी है, हरि मेढक का भी है। युद्ध, रण, समर, संग्राम, जंग। रवि, भानु, सूर्य, दिनेश, दिनकर। राजा, नृप, भूप, नरेश, महीप। रात, रात्रि, निशा, रजनी। संध्या, सांझ, शाम, साय, गोधूली। सर्प, अहि, भुजंग, विषधर, फड़ी। फड़ी भी सर्प का पर्यायवाची, क्योंकि उसके पास फन होता। समुद्र, सागर, सिंधु, पयोधि, रत्नाकर, सरस्वती, भारती, शारदा, बीड़ा। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे, जो आप लोग इसको याद कर लेंगे। और मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।